सचिया परेता जदलाले सजना नू नहीं अजमाई दा दिल जद दिल ना वटाले हाथ नहीं वो अपना छुड़ाई दा। हाय, मेरा नाम सिल्विया है एंड मैं नकोदर दी रहन वाली हाँ, डिस्ट्रिक्ट जलंधर, HMB कॉलेज दी स्टूडेंट हाँ, जलंधर हंसराज महिला महाविद्यालय BCA दी सेकंड ईयर दी स्टूडेंट हाँ, थर्ड सेम। मैनू सिंगिंग दा शुरू तो ही बहुत ज़्यादा शौक है, बचपन तो ही मैं सिंगिंग विच आई हाँ, ते मैनू मेरी फैमिली ने फ्रेंड्स ने बहुत मोटिवेशन दिता है। मैं KKHD का बहुत धन्यवाद करती हाँ जिन्हें मैं ये वधिया प्लेटफॉर्म दिता है, जिदे करके मैं इत्थे तक पहुँची हाँ। मेरी यही विश आ, मेरा यही एम आ कि मैं अगे भी पहुँचा एंड मेरी हॉबी यही आ, मेरा एम यही आ कि मैं बाकी सिंगर वांगू TV जावा एंड मॉडलिंग एक्टर सारा कुछ बना एंड मैनू सारी फैमिली फ्रेंड्स की सपोर्ट चाहिए। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬਾੜੀਆਂ ਸਮਿਆਂ ਨੇ ਮਾਪਣੀਆਂ ਲੇਖਾਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀ ਨਾਲ ਪੱਥਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਕੜ ਨੂੰ ਪੰਨ ਲੈਣਾ ਏ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ।
नमस्कार जी, आई एम डॉक्टर संगीता फ्रॉम पीजी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। आई एम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर। हमारा स्टूडेंट सिल्विया बीसीए थर्ड सेमेस्टर, वेरी ब्राइट स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है सभी कल्चरल एक्टिविटीज में। हमारा स्टूडेंट सिल्विया जो है पढ़ने के साथ साथ इसको सिंगिंग का भी बहुत शौक है और इस शौक ने इसको बहुत ही अच्छा चांस दिया। हमारी बेटी ने 4 राउंड क्लियर कर लिए और अब ये फाइनल राउंड में पहुंच गई है और हमारे कॉलेज की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से हम यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा फाइनल राउंड में फर्स्ट नंबर पे आए और अपने कॉलेज का नाम नंबर 1 पे करे। हमारा डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस, हमारा कॉलेज सिल्विया पे बहुत ही प्राउड करता है। ऑल द वेरी बेस्ट सिल्विया, ऑल द वेरी बेस्ट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। डू यू नो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? व्हाट इज सॉफ्टवेयर? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, राइट? एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द पैरामीटर, ऑल द फेजेस। देयर आर नंबर ऑफ फेजेस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन डिजाइनिंग पार्ट, कोडिंग पार्ट, टेस्टिंग पार्ट एंड लास्ट मेंटेनेंस पार्ट। हम क्या करते हैं? सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी में हम क्या करते हैं? फिजिबिलिटी स्टडी में हम देखते हैं बेटा कि हमने जो प्रोजेक्ट करना है क्या वो फिजिबल है, क्या जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं क्या हम वो काम कर सकते हैं। तो हम इसमें 3 पैरामीटर्स काउंट करते हैं। सबसे पहले क्वालिटी, कॉस्ट एंड शेड्यूल। क्वालिटी क्या है? आप लोग सभी कंप्यूटर्स के स्टूडेंट हो, आप जब भी प्रोग्राम बनाते हो, प्रोडक्ट आप डेवलप करते हो, तो आपका जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है? क्वालिटी पे। Myself, Dr. प्रेम सागर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड HOD, म्यूजिक वोकल डिपार्टमेंट, हंसराज महिला महाविद्यालय। मैं बहुत खुश हाँ आज ये जान के कि इस कॉलेज की विद्यार्थी सिल्विया, उन्हें किस में कितना है दम, जिहड़ा प्रोग्राम 4 राउंड उन्हें क्लियर कर रहे हैं और फाइनलिस्ट विच पहुंच गई है। मैं ये दुआ करदा कि ये फाइनल विच भी सक्सेसफुल होके आवे। मैं इस बच्चे नु सुनिया है, इहदे च नैचुरल टैलेंट एफिशिएंट मात्रा च है और ये मेहनत करदे करदे बहुत अगे जाएगी, ऐसी मैनू उम्मीद है। मेरा नाम गुरमीत सिंह है और मैं HME कॉलेज जलंधर विच कंप्यूटर साइंस विभाग विच एसोसिएट प्रोफेसर दे तौर ते काम कर रहा। ए बच्चा जिहड़ा सिल्विया है, जिहड़ा कि किसमें कितना है दम विच पार्टिसिपेट कर रहा और अपनी मेहनत दे नाल हुण फाइनल राउंड विच पहुंचा है। यह बच्चा फर्स्ट ईयर दे विच साडे कोल इत्थे फंडामेंटल्स और एक होर सैकेंडरी सेमेस्टर दे विच C++ सब्जेक्ट दे विच पढ़ रहा सीगा और हुण इस बच्चे नूं मैं पाइथन लैंग्वेज थर्ड सेमेस्टर च पढ़ा रहा हाँ। इस बच्चे दा सिंगिंग दे विच बहुत ज़्यादा इंट्रस्ट भी सी और हुण इहदे फाइनल पहुंचण ते मैं उन्हूं बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा हाँ और उन्हूं बेस्ट विशेस दिंदा अपने वालों, अपने डिपार्टमेंट वालों और अपने कॉलेज वालों, सारिया वालों। अपने पेरेंट्स का बहुत थैंकफुल कर दिया उन्हों का कि उन्होंने मैनू हर एक मतलब मौका दिता करन दा। कोई भी उन्होंने गल मेरी इदा मना नहीं की, जो भी मैं चाहा है उन्होंने हमेशा पूरा किया एंड मेरी हर विश पूरी कर दिया। पापा ने मैनू सिंगिंग ना बहुत मोटिवेट किया, पापा भी मैनू सिंगिंग की प्रैक्टिस करवाते होंगे सी, हूँ भी करवाते हैं एंड उन्होंने बहुत कुछ मेरे लिए किया है, मैं उन्होंने बहुत थैंकफुल कर दी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, जय भीम जी सर, और मैं सुखविंदर गढ़वाल, बिलोंग टू नकोदर डिस्ट्रिक्ट जलंधर, और अज मैं जी गल करनी जा रहा क्योंकि मेरी बिटिया सिल्विया गढ़वाल जिहड़ी TV लाइव शो KKHD इसमें कितना है दम उहदे विच पार्टिसिपेट किया उन्हें और 4 राउंड क्लीयर करके अज 5वें राउंड च फाइनल दे विच पहुंची है। तो अज उहदे बारे गल करनी सी मैं क्योंकि मेरे 2 बेटियां ने, सिल्विया गढ़वाल एंड एंजेलिना गढ़वाल, और सिल्विया जिहड़ी आ क्योंकि बचपन तो ही थोड़ा जिहड़ी एक्टिविटी जिहड़ियां आर्टिस्ट वालियां सीगियां असीं वॉच करदे रहे इहनूं और इहदे विच इहने बचपन विच ही डांस करदी सी, TV ला के मूहरे डांस करी जाणा, चलो असीं शो दे विचार बच्चे करदे हुंदे आ, लेकिन सिंगिंग कीती इहने छोटी हुंदी ने इक सीरियल चलदा हुंदा सी डोरेमोन, और डोरेमोन दा टाइटल सोंग सीगा, इहने टाइटल सोंग गाउंदी सी, असीं पहलां ध्यान नहीं दित्ता, लेकिन जदों सुणिया उहनूं डिटो कॉपी सी उहदी, सानूं लग्गिया इहदे विच कुछ टैलेंट है और असीं इहनूं इहदे जिहड़े स्कूल च इहने एडमिशन लिया उत्थे स्कूल दे म्यूजिक टीचर नूं वी कहा इहदे बारे वी इहनूं किते ना किते पार्टिसिपेट कराओ, डांसिंग है चाहे सिंगिंग है चाहे मतलब इहदे विच आर्टिस्ट दा इक टैलेंट हैगा, लेकिन चलो एनी हो इन्हें स्कूल दे विच पार्टिसिपेट करदे रहे आ, लेकिन थोड़ा डिस्टर्ब होया सानूं वी, इहदा लग्गिया वी
पार्टिसिपेट करती रही है और उस तो बाद होर भी एक मिसहैपनिंग हुई भी जो करोना आया और यदि स्टडी होर भी प्रभावित हो गई क्योंकि तुम्हें पता करोना के इन्होंने नाइनथ एट्थ नाइन टेंथ जी क्लास है वह भी करोना की पीरियड जी स्टडी डिस्टर्ब होने साडा भी ज़्यादा ध्यान से भी म्यूजिक वाले पास वाले ना जाइए और स्टडी करे लेकिन उस तो बाद जो शौक से वो चलता रहा और इनू बी सी ए कॉलेज में एडमिशन लिया उत्थे भी शुरुआत ही इन्हें फिर यहाँ शौक अंदरला से बाहर से क्योंकि जरा वेलकम पार्टी जी रखी कॉलेज उन्होंने पार्टीसपेट किया और डांस में भी पार्टीसपेट करती रही है और उत्थे मॉडलिंग भी और सिंगिंग की गल करिए घर क्योंकि करोना काल की मैं गल की है और करोना काल में सिंगिंग का इंटरस्ट ही कि एक ऐप लभ्या मैं ऐप का ना नहीं जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि वो म्यूजिक ऐप है सिंगिंग वाला इन्हें ऐप लभ्या मैं कहीं पापा भी आ जो ऐप है सिंगिंग भी हैगी क्योंकि मैं भी म्यूजिक का शौक से मैं भी इंस्ट्रूमेंटेशन का मैं सब पहला 88 के मैं इंस्ट्रूमेंटेशन की ट्रेनिंग ले सी लेकिन प्रोफेसनली नहीं होया अपने शौक लिए किया लेकिन इंटरस्ट है ये मैंने कहीं पापा देखो आ सिंगिंग वाला एक है कर सकते हैं मैं क्या बेटा थोड़े वास्ते आने बहुत कम आएगा इन्हें उसते वर्क किया और चीज़ का फायदा मिले इन और जी के एस डी मैं गल करा के एस डी जो जी टीम है जी मैं उन्होंने थैंक्स करना धनवाद करना क्योंकि मेरे वाइफ जोड़े पापा है गवर्नमेंट टीचर ने उन्होंने स्कूल टीम जी के एस डी की गई उन्होंने अप्रोच की भी जो कोई टैलेंटड बच्चा है तो उन्होंने असं मौके देने भी वो वास्ते एक स्टेप है तो इन्होंने घर आके मेरे गल की और मैं इन्होंने कहा भी ठीक है कोई गल नहीं करो इन्होंने ये मम्मा ने ही जाके ना जरा फॉर्म भर के ऑडिशन करवाई और ऑडिशन वधिया रहा होया जजेस ने इनकरेज किया हौसला दिता भी ठीक है बच्चे तो अच्छा कर सकते हैं और देर ही देर नैक्सट क्वार्टर फाइनल राउंड सैमीफाइनल राउंड और अच्छ फाइनल पहुंची आ और मैं समझ मेरी मम्मा का भी ये बहुत बड़ा रोल है क्योंकि जो ना वो फॉर्म भरते हो के एस डी टीम ना जुड़ते तो शायद ये जरा इन स्टेप ना मिलता तो मैं लगता भी जो के एस डी स्टेप एक फर्स्ट स्टेप जरा सक्सैस का शुरू होया तो मैं पूरी के एस डी टीम का वरुण सर जी जजेस और जिन्हें भी टीम है के एस डी की मैं सारा का तहत धन्यवाद करता और इनू भी यही कहता बच्चे तेरा स्टार्टिंग आ क्योंकि अगर तुम करना है तो फिर लगन ना करना और इन्हें के एस डी में सिंगिंग करने तो बाद इन्हें काफ़ी मेहनत की आ रोज़ आके घर भी सारे फैमिली मैंबर कोई गैसट आते उन्होंने भी सिंग अपने गाने सुना भी रही सी हूँ इन्हें ज़्यादा मेहनत की आ म्यूजिक के नाल भी गाया जी कुछ असी रिहर्सल भी करवाइया म्यूजिक टीचर के को अगर जो इन्हें फील्ड ले तो कामयाब हो सिर्फ उदा खाना पूर्ति ना करे उन्होंने दिल ला के मेहनत करे और सक्सैस हो सा दिली तमन्ना भी ये जी पूरी तरह अपनी मेहनत करके और के एस डी का जो फाइनल आनू भी ये जित के आए और सानू भी माण करोड़ होगा और बच्चे का भी माण होगा और असं के एस डी टीम का भी टाइम धन्यवाद करा जिन्होंने इस स्टेप जरा दिता बिल्कुल मैं भी गल कहनी चाहवागा क्योंकि टीवी शो बहुत सारे हो रहे बच्चों के भी हो रहे व्डे के भी हो रहे हैं और लेकिन वो जो टीवी शो अप्रोचेबल नहीं हर किसी लिए अप्रोचेबल नहीं क्योंकि साडा जिहड़ा जिहड़ा ज़्यादा टैलेंट आ पिंडां विच कस्बियां विच भी बैठा जिन्हां नूं वो जिहड़े शो हुंदे आ चाहे सिंगिंग किसी भी प्लेटफॉर्म का आर्टिस्ट दा हैगा उन्हां नूं अप्रोच करना बड़ा मुश्किल हुंदा लेकिन के एस डी टीम दा मैं इस करके मैं इन्हां नूं एप्रीशिएट करदा वी इन्हां ने खुद अप्रोच करदे आ इन्हां ने खुद मतलब टैलेंट नूं खुद लभदे जाके वी टैलेंट कित्थे छुपिया बैठा सी उहनूं तराशिया जाए उन्होंने और के एस डी का जरा काम करने का तरीका बड़ा वधिया क्योंकि खुद शहरों में अप्रोच करते स्कूलों कॉलेज जाके अप्रोच करते हैं और उतों टैलेंट न लभना बड़ा औखा हों और बहुत मेहनत करती है टीम इन्हों की पूरी के एस डी की और मैं बहुत इन्हों को प्राउड फील करता भी बच्चों आने वाली जनरेशन आने वाले आर्टिस्ट है उन्होंने एक वधिया प्लेटफॉर्म मिलता और अप्रोच ही मिले सब वही गल अप्रोच ही मिले तो इस करके जी के एस डी की टीम है जरा शो आ मैं समझना बाकी सारे जो चैनलों का एक बखरा आ हरेक अप्रोचेबल है और एक बढ़िया तुम एक लाइन जी मिलती है और इस तो मैं भी अपील करता सारे बच्चे जिन्हें भी नवे ने खास करके न्यू है उन्होंने इस चीज़ का फायदा लेना चाहिए और के एस डी में जुड़ के अपना टैलेंट न लोगों के सामने लैके जाना चाहिए और तरक्की कामयाबी करनी चाहिए। सत श्री अकाल जी, मैं सिल्विया की मदर उर्मिला। सब तो पहला मैं एक गवर्नमेंट इंपलॉई हाँ तो मैं अपने वालों
KHD टीम का धन्यवाद करना चाहनी हूँ जिन्होंने मेरी बेटी नू फाइनल तक पहुँचाया। इन्होंने जेडे टीम के जजी से उन्होंने भी मेरी बेटी नू बहुत इनकरेज किया कि यह फाइनल तक इस तरह पहुँच गई है। शुरू तो ही इनू बचपन तो ही गाउण का बहुत शौक से। छोटी होंगी जो भी घर में कोई भी प्रोग्राम होंदा सीगा ते जो भी घर में कोई फंक्शन होंदा सी जां बर्थडे वगैरह पार्टी आम होंदी रहिंदी सी और ये हमेशा ही इनू शौक सीगा कि ये डांस करन लग जांदी सी किसी ना किसी गाने लई ते तैयारी करती सी परफॉर्म करती सी किसी ना किसी सोंग ते और इस तों अलावा इनू सिंगिंग का भी बहुत शौक सी। और छोटी होंदी जदों ये कार्टून देखती सी खास तौर पर डोरीमोन और उहदा टाइटल सोंग सी उह इनू बहुत पसंद सी उहनू इहने गाना शुरू किया और जदों इहने सानूं सुनाया इहने एज इट इज़ सुना दिता और ये सुन के असीं मैं ते इसदे पापा बहुत हैरान होए और सानूं लगा कि इस विच कोई टैलेंट है। और इस तों बाद जदों थोड़ी वड्डी होई ते इहने होर जिहड़े गाने आ काफ़ी मतलब वधिया तरीके नाल गाने शुरू करते बिना किसी ट्रेनिंग तो। उस तों बाद ये स्कूल विच जदों गई आ स्कूल विच भी जदों कोई फंक्शन हुंदा सी उहदे विच भी अक्सर पार्टिसिपेट करदी सी डांसिंग दे विच कदी सिंगिंग दे विच शब्द गायन हुंदा सीगा जां कोई एनुअल फंक्शन सी उहदे विच भी हमेशा पार्टिसिपेट करदी सी। उस तों बाद इहने निमरत खैरा एक सिंगर हैगे आ उहनां नूं इहने कॉपी करना शुरू कीता और काफ़ी सारे सोंग इहनां बिल्कुल रलदे मुलदे जिट्टो गा दिंदी सी और जिस तों सानूं भी लगा कि इहनूं इस फील्ड विच अग्गे लैके जाणा चाहीदा आ। और इह वी चाहुंदी सी हमेशा ही पुछदी सी कि मम्मा मैं वी टीवी विच चाहनी हाँ मैं भी हाँ जिस तरह बाकी सिंगर आते हैं आर्टिस्ट आते हैं मैं इस तरह कुछ ना कुछ परफॉर्म करना चाहनी हाँ। और हमेशा मैं सोचती सी कि इनू इस लाइन के अगे लैके जाना ही पैना क्योंकि ये दे विच बहुत ज्यादा फीलिंग सी कि मैं इस फील्ड में ही अगे जाना है। और उस तो बाद एक दिन मैं गवर्नमेंट टीचर हाँ और स्कूल KKHD टीम के एक मैंबर आए और उन्होंने दसिया कि इस तरह करके अप टू 30 ईयर तक बच्चे जोड़े आ पार्टीसपेट कर सकते हैं और कोई भी एक्टिविटी वो कर सकते हैं। मैं घर आके वो गल की पैम्फलेट मैं घर ले आई और इन्हें कहा कि मम्मा मैं ये पार्टिसिपेट करना है। मैं फोन पर ही सर ना गल की उन्होंने तो उन्होंने कहा कि नकोदर के ये हैगा आ तो इनू पार्टिसिपेट करवा लो उ ले आओ। फर्स्ट इन्हें ऑडिशन क्लीयर किया सैकेंड थर्ड फोर्थ जो यदा सैकेंड राउंड सगा पेपर सगा 4:30 यदा पेपर खत्म होया और पापा इनू लैन गए और 6 बजे तक असीं उत्थे पहुंचे ते इहदी उह इन पार्टिसिपेट करवाया। थर्ड राउंड विच फिर इहदे नाल नाल एग्जाम चल रहे सी ते फिर इहदा एक दिन पहला पेपर सी दूसरे दिन असीं फिर इहनूं लै के गए और उह वी जिहड़ा राउंड इहने क्लीयर कीता। फोर्थ राउंड विच पहुंच गई फोर्थ राउंड विच इहने फिर थोड़ी इंस्ट्रूमेंट दे नाल तैयारी कीती। उस तों बाद इह हुण फिफ्थ राउंड दे विच आ गई आ ते असीं इही चाहुंदे आ कि इह फाइनल जित के अपने पेरेंट्स दा अपने मुहल्ला निवासियां दा और अपने कॉलेज दा नाम जिहड़ा उह रोशन करे। और इस टाइम BCA थर्ड सेमेस्टर विच HME जलंधर विच पढ़ रही। जुड़दे तेरे ना दे सुपने सरगी वेले नो दिल ए कहंदाड़िए अखा ने ओ खुलनिया तेरा सुरख दुपट्टा सुंबरे रूदे वेले दी सिख गे फुल तेरे अड़कियां गल्ला बोलनिया रब दियां फजला ते रुख सार तेरा जे दिसदा ए गुंजला इश्क दियां बे तेरे नाल फरोलनिया लौंदे वेड़े होवे दीवा पर जगदानी तेरे हथ मैं लिखा अपने ना दियां टोलनिया तेरे हथ मैं लिखा अपने ना दियां टोलनिया। मैं रजवंत कुमार चलिया जी दा ताया जी लगता असी जॉइंट फैमिली हाँ तकरीबन इको जे घर के सारे रल मिल के रेंदे हाँ। ये बेटी साढ़े हाथों में पड़ी है बचपन तो ही बहुत नटकी टाइप की सी साढ़े सारे परिवार के सांगा लाती रहना मेरी ताई जी की करती ताया जी की करते दादी जी की करती आ इदा दईटें करके सू खुश करती सी उ टैलेंट लैके स्कूले चले गई स्कूले भी इतने नाटकों का बेच कई तरह के भाग ले है। उस तो बाद तरक्की करती करती है कॉलेज तक पहुंची आ KKHD दे मतलब इन्होंने जोड़ा मौके दिता मैं बहुत धन्यवाद करता। लेकिन इस बेटी की एक सिफत हैगी कि जिस तरह होर टैलेंट है तो माँ प्यो बच्चे भी बहुत इंट्रस्ट हैगा कोरोना के बच्चे ये जिस तरह से दो माँ बाप ये सरे कोरोना के पीड़ित हो गए सी इस बेटी ने कल ने कमरे में उन्होंने देर रात देखभाल की असी बड़ी बहादुरी समझते सी जिहड़ी कली सी ते इहदी दूजी इहदी सिस्टर सी उहनूं असी आप नाल दे कमरे च रखदे सी
ਤੇ ਕੱਲੀ ਦੇ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆਸ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ 2, 3, 4, 5 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ KKHD ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕਸ। Database management system can be difficult to set up and operate. Many decisions must be made correctly for the database management system to work effectively. In addition, users have to learn new procedures to take full advantage of database management system. With the traditional approach to file management, a failure of the file only accepts a single program, but with the database management system, a failure can shut down the entire database. Database system can be more expensive to purchase and operate. The expensive includes the most of the database and specialized personnel such a database administrator who is needed to design and operate the database. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਸਿਲਵੀਆ ਦੀ ਤਾਈ ਜੀ। ਸਿਲਵੀਆ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅੰਤਾਕਸ਼ਲੀ ਖੇਡੀਏ, ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਅੰਤਾਕਸ਼ਲੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਆਪ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਕੁਛ ਮੇਤੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ KKHD ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਲਵੀਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਗਡਵਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ, ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਸਿਲਵੀਆ ਗਡਵਾਲ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਹੈ ਕੌਣ ਕਿਸਮੇ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਦਮ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੌਣ ਕਿਸਮੇ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਦਮ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟੌਂਟਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਈਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ TV ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਔਰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਤੇਗੀ ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨੀ ਮੰਗਦੀ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਓ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼, ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਲੇ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ, ਜੱਗ ਦੇ ਸੂਰਜ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ,
मैनू भी ता फब दे नहीं रंग तेरे तो बिना लख खुशियां बोल करोड़ा दे जग दे सूरज फिक्के लग दे तेरे तो बिना मैनू भी ता फब दे नहीं रंग तेरे तो बिना लख खुशियां बोल करोड़ा दे लख खुशियां बोल करोड़ा ते पर मैं ता चुनिया तू मैनू हो नहीं कुछ चाहिदा मेरी ता दुनिया तू मैनू हो नहीं कुछ चाहिदा मेरी ता दुनिया तू। हेलो फ्रेंड्स, मैं सिल्विया दा ब्रदर ब्रदर कम फ्रेंड ज़्यादा ऐ शुरू तो ही बहुत मस्ती की है शुरू तो इंटरटेन करने जो भी सानू लोड़ होती है सिल्विया बस आवाज़ मारती सिल्विया सिल्विया हाजिर सिल्विया सानू इन्ना इंटरटेन करती है सानू कभी कभी लोड़ ही नहीं पैंदी कभी इंटरटेन करने बाहर जाइए जा कुछ देखिए टीवी दी के लाइट नहीं होती सी सिल्विया सिल्विया सिंगिंग लई डांसिंग लई हमेशा सिल्विया आवाज़ मारी दी सिल्विया पहुँच जाती खूब मस्ती करी दी आ मेरे वालों पूरी दिलों शुभकामनावां मैं चाहना भी यही जिते जितूंगी 100% ये मैं दिलों कहना मेरी मैरिज तो इन्हें मैं हमेशा ही करती सरप्राइज मैं मेरी मैरिज लिए स्पैशल इन्हें तैयार रेडी किया अपने लिए सोंग मैं नहीं सी पता बट जो मेरी मैरिज पार्टी ने सोंग आया बहुत वधिया लगा वो सब तो मेरी यादगार लिए एक इदा दी मैमरी बन चुकी है वो मैं कभी नहीं भुलनी इस करके मैं हमेशा यही कहूँगा भी सिल्विया ऑल द वेरी बेस्ट तू जितूंगी तू ही जितूंगी। Myself Priya, Sylvia मेरी sister in law है और मेरी जो marriage हुई सी मैंने उदो पता चलिया कि Sylvia नू singing दा बहुत शौक है क्योंकि जो साड़ी marriage दी party सी second day Sylvia ने सानू एक gift दिता सी जो सी उन्हें अपनी song गाया सी साड़ी marriage से मैंने बहुत अच्छा लगा सी ये मेरे लिए बहुत बड़ा gift सी Sylvia वालों ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਲਵੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਸੁਣਾ ਦੇ ਮੈਂ ਸਿਲਵੀਆ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੌਂਗ ਮਤਲਬ ਸੌਂਗ ਸੁਣਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲਵੀਆ ਦੀ ਵੋਇਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਮੈਂ ਸਿਲਵੀਆ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਿਜ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਚੱਲ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਅਤਵਾਰ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਚੱਲ ਵੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਚੱਲ ਵੇ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਦੇ ਖਲੋਨੀਆਂ ਹਾਏ ਮੈਂ ਖਲੋਨੀਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਪਰੋਨੀਆਂ ਹਾਏ ਮੈਂ ਪਰੋਨੀਆਂ ਨਾਲੇ ਪਰ ਦੀਆਂ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਸਾਂ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਚੱਲ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਅਤਵਾਰ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਚੱਲ ਵੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਚੱਲ ਵੇ। ਨਮਸਕਾਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਲਵੀਆ ਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਿਜ਼ ਆਪਣੀ ਔਰ ਸੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਬਹਿਨ ਰਿੰਪੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਹ ਕਲਾ ਕਾ ਜੋ ਗੁਣ ਹੈ ਉਸਕੋ ਉਭਾਰਨੇ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਮੇਂ
इस गुण को उभारने के लिए बहुत प्रयास करने चाहिए, क्योंकि बच्चों के अंदर ये जो गुण है जो कि अंदर एक निहित है, ये इस इंडस्ट्री में आए इसके लिए हमारी तरफ से रियली बेस्ट बेस्ट बहुत बहुत बेस्ट विशेस। बच्चों के अंदर इन बिडन जो क्वालिटीज़ हैं, ये बहुत कम लोग इसको मतलब ठीक से नहीं समझते, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें इस चीज़ के लिए एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि ये समय ही ऐसा चल रहा है। पहले नहीं इस चीज़ को माना जाता था अच्छा, लेकिन आजकल ना सिर्फ माता पिता परंतु हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारी सोसाइटी है वो भी इस चीज़ को बहुत अहमियत देने लग गई है कि बच्चों की जो गुणवत्ता है पढ़ाई की अलावा उनके अंदर जो गुण है, चाहे वो खेलों के लिए है, चाहे वो इस तरह के कोई कलाकारी के गुण हैं, चाहे वो कोई भी एक्टिविटीज़ के लिए हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, तो वो उनको हमें हमेशा ही एनकरेज करते रहना चाहिए और हमें हमेशा साथ देना चाहिए माता पिता को, हमें उनकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और इस चीज़ों के लिए जो भी चीज़ चाहिए उनका हमेशा, चाहे उनको डॉक्टरी हेल्प की ज़रूरत है, इमोशनल हेल्प की ज़रूरत है, फिजिकल हेल्प की ज़रूरत है, बच्चे को चाहिए तो हमें माता पिता समाज और सिल्विया को जो हैं मेरी तरफ से पूरी तरह से बेस्ट विशेज इससे, और आई एम 100% श्योर शील बी विनिंग दिस, उससे नहीं है, शील बी विनिंग दिस कंपटीशन। और जो है किस में कितना है दम, इसके लिए बहुत काम कर रहा है, इस कार्य के लिए हम आप लोगों का धन्यवाद करते हैं, इसके लिए आप लोग उद्यम करके यहाँ तक आए हैं, इस तरह से आप कार्यरत रहें और इस तरह से बच्चों के लिए मददगार रहें, ये कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका, आपकी टीम का, और मेरी ओर से पुष्पिंदर और रिम्पी की ओर से एक बार फिर से इस बच्चे को बहुत सारी शुभकामनाएं। ਇਹਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਕੋਸਮੈਟੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੈਮਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਡਾਂਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਦੋਂ ਫੈਮਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਕਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਟਾਈਮਸ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੋਇਸ ਆ ਤੇਰੀ, ਤੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂੰਗੀ। ਮੇਰਾ ਏਮ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਏਮ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਕੋਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਜਾਣਨ, ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਮੈਂ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡੀਸੈਂਟ ਸੌਂਗਸ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।
स्कूल विच मैनूं बहुत ही मेरे म्यूजिक टीचर ने मोटिवेट किया सी एंड मैं एनुअल फंक्शन च भी पार्टिसिपेट किया या शब्द लीजिए स्पीच मतलब अकॉर्डिंगली अपना शब्द गाया सी एंड फिर जो दो सेकंड बारी एनुअल फंक्शन होया सी उस च मैं डांस च परफॉर्मेंस दिती सी एंड कॉलेज च जो मैं हुई सी फ्रैशर पार्टी विच मैं अपनी फ्रेंड नाल भंगड़ा किया सी एंड मॉडलिंग भी की सी। शुरू तो मैं डोरीमोन का एक देख रही हूँ सी कार्टून एंड उहदे विच एक थीम सोंग हुंदा सीगा ते वो मैं सोंग तुहानूं सुनाऊंगी भी एंड वो मैं सोंग गाया सी ते मैं अपने मदर फादर नूं सोंग सुनाया सी जिहदे करके मैनूं मदर फादर ने नोटिस किया एंड मोटीवेट किया कि तू बाकी सोंग भी गा तेनूं तेरी वॉइस बहुत अच्छी आ एंड जदों मैं सोंग गाने स्टार्ट किए तो सारिया ने मैनूं बहुत सपोर्ट की एंड मैनूं यही सुनने आया कि तेरी गॉड गिफ्टिड वॉइस आ तू इस फील्ड में अगे जा सकती। जिंदगी सवार दो एक नहीं बहार दो दुनिया ही बदल मैं एक प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच में करूँ। KKH की स्टार्टिंग का मैनू मम्मा तो पता चलिया सी एंड फिर असी ऑडिशन देन गए सी जित तो मैनू जजिस ने भी बहुत मोटिवेट किया एंड फिर जो फर्स्ट स्टैप होया सैकेंड थर्ड फोर्थ हूँ मैं फिफ्थ फाइनल राउंड च पहुंची हाँ इस करके पहुंची क्योंकि मैनू जजिस ने बहुत मोटिवेट किया एंड मैं मेहनत भी की इस चीज़ वास्ते मैनू यही आशा आ कि मैं अगे जाके फाइनलिस्ट बनूँ। KKHD के मैंबरस टीम जजिस ने सारे ने मैनू बहुत मोटीवेट किया जदों से मैं इस प्लेटफॉर्म से पैर रखा आ मैनू बहुत ही मोटीवेट मिलया एंड मैं फिर बाद चो इस ते वर्क करना स्टार्ट किया इंस्ट्रूमेंटल ना गाना स्टार्ट किया एंड बाकी भी मेरे होर भी नाल टीम वर्क सीगा मेरा उन्होंने नाल सिंगिंग की प्रैक्टिस की अपने कॉलेज में म्यूजिक टीचर नाल गल की जिदे करके हुण मेरा यही वर्क लाइफ टाइम भी स्टार्ट होएगा एंड मैं बहुत ही मेहनत करांगी। मेरे फ्रेंड्स ने भी KKHD प्लेटफॉर्म बारे पूछा सीगा मैं उन्होंने भी यही गाइडेंस दी सी अगर किसी बच्चे भी कोई भी टैलेंट हुंदा आ ते प्लेटफॉर्म KKHD का बहुत ही वधिया है जो कि बच्चे नूं अगे लैके जांदा एंड मेरी सोसाइटी विच भी बहुत सारे लोग ने मैनू यही पूछा सी कि कौन केड़ा प्लेटफॉर्म आ जिन्हां तेनों इन्नी मोटिवेशन मिली आ एंड अगे तक तू पहुंची आ। जिन्हां तो मैं ट्रेनिंग ले सी सैमीफाइनल विच उन्हां दा नाम तरनप्रीत सिंह सर है उन्हां दा भी बहुत मैं थैंकफुल करदी हाँ उन्होंने मैनू ट्रेनिंग दिती मैं इत्थे तक पहुंची हाँ मेरा बहुत ही वधिया परफॉर्मेंस हुई सी ते मैं उन्हां दा बहुत थैंकफुल करदी हाँ। वरुण सर का मैं बहुत थैंकफुल करती हाँ कि उन्होंने मैनू उन्होंने टीम मैंबरस ने जजिस ने मैनू आ प्लेटफॉर्म दिता जिदे विच मैं अपना टैलेंट शो कर सकती हाँ एंड मैनू बहुत ही मोटिवेशन मिली है इस चीज़ बारे कि मैनू अपने आप नू भी लगता कि मैं अगे पहुँच सकती हाँ मैं फाइनल राउंड भी जितूँगी मैं चार राउंड क्लीयर करके फाइनल विच पहुँची हाँ मैनू यही आशा आ कि मैं फाइनल राउंड जितूँगी।